हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मंत्रा, मंत्रा फॉर योर मोटो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई की ए टैक्सी के बारे में। हुंडई की ए टैक्सी यानी हवा में उड़ने वाली टैक्सी, जिनके सपने आपने और इनको देखा साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर होगा, और आपने सोचा होगा कि ये 2025 या 2100 तक हमारी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आपको इतना लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही के अंदर हुंडई ने अपनी इस ए टैक्सी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। और आज हम इसी वीडियो के अंदर हुंडई की इस ए टैक्सी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या सेफ्टी है और इसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हुंडई ने हाल ही के अंदर उबर के साथ में टीम अप करके अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि हुंडई ए टैक्सी है, उसको पूरी तरीके से दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है। उनका मकसद था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए, तो हवा में गाड़ी उड़ने वाली को क्यों ना कब्जा कर लिया जाए। और इसी वजह से उन्होंने अपनी सबसे पहली एक ए टैक्सी ला के सामने खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले हम इस ए टैक्सी के फीचर्स की बात करते हैं। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सबसे पहले फीचर की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी EVTOL एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को किसी भी तरीके की रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और वापस नीचे आके बैठ सकता है। और इसी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है। जो दूसरा इसका इंटरेस्टिंग फीचर है वो इसके 4 पैसेंजर कैपेसिटी के साथ में आता है, 4 जने आराम से बैठ सकते हैं। इसकी जो स्पीड है वो 290 किलोमीटर पर आर की होगी और इसकी जो रेंज है वो 97 किलोमीटर के आसपास होगी, यानी 97 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर ये उड़ने वाला है, वो 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला है। और ये कंप्लीटली नॉइस एंड पोल्यूशन फ्री होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने वाला है। साथ ही में कंपनी ने कहा है कि इसके अंदर शुरू में आपको एक पायलट दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये ऑटोनोमस हो जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिक होगी, इसमें आपको पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हुंडई ने इसके अंदर सेफ्टी के लिए क्या क्या दिया है। अब बेसिकली हुंडई ने सबसे ज़्यादा इसकी सेफ्टी पर ही ध्यान दिया है, क्योंकि सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी। और इसीलिए यहाँ पे हुंडई की जो सेफ्टी की है ना, दो प्रकार की सेफ्टी देखी जा सकती है। सबसे पहला, इसके रोटर के अंदर आपको सेफ्टी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर मल्टीपल रोटर्स हैं और उनका काम यह है कि इनमें से एक भी रोटर यदि खराब हो जाता है तो दूसरा रोटर उसकी जगह ले लेगा, यानी उसका जो लोड है वो ग्रहण कर सकता है और इसी वजह से उसका जो लोड है वो दूसरे रोटर पे ट्रांसफर हो सकता है। और ये काफी अच्छी सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाती है। जो दूसरी सेफ्टी है वो इसके अंदर आपको किसी तरीके से भी यदि ये एयर टैक्सी खराब हो जाती है तो इसके अंदर पैराशूट डेवलपमेंट सिस्टम है, जो सेफ्टी के तौर पर आपको किसी भी जगह पर आपकी एयर टैक्सी को कहीं भी लैंडिंग करा सकता है। और इसी वजह से जो दो सेफ्टी है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसके कई फायदे भी होने वाले हैं। आप घर बैठे अपने फोन ऐप पर उबर वाली ऐप से इस एयर टैक्सी को बुक कर सकते हैं और कहीं भी अपने एक जगह से दूसरी जगह 97 किलोमीटर के रेडियस में जा सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, और वो ट्रैफिक को चीरते हुए हवा में उड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और ये काफी यूज लिया जा सकता है उन जगह पर जहां पर मेडिकल इमरजेंसी है और वहां पर पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, तो ये कुछ ही मिनट के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। ये काफी अच्छी हो सकती है उन सिटीज के लिए जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जैसे कि मुंबई, तो ऐसी जगह पर ये बहुत अच्छे से यूज ली जा सकती है। इस गाड़ी का नाम हुंडई S1 फ्लाइंग टैक्सी रखा गया है और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो देखते हैं कि हुंडई आगे इसके साथ क्या करता है और कैसे मार्केट के अंदर आकर तहलका मचाती है। आई होप ये जल्दी इंडिया में भी देखने को मिले, जिससे हम भी एक जगह से दूसरी जगह जरूर जा सके। तो आपके क्या विचार हैं इस एयर टैक्सी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में अंगूठे का यूज करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।